नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। नरेंद्र जी नाहटा के साथ आज हमने चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष माणक जी नाहटा से मुलाकात की, जिसकी वीडियो की कुछ झलकियां हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। जी जिनेंद्र, मैं प्रिया दुदेड़िया और आज हम मिल रहे हैं छापर के श्रद्धानी श्रावक सूरजमल जी बुच्छा के पुत्र माणक जी बुच्छा से। ये धर्म के प्रति समर्पित परिवार है। 2003 और 5 में ये कलकत्ता पूर्वांचल के अध्यक्ष पद पर कार्य किए हैं। उनमें सदियों का ऐतिहासिक चौमासा भी हुआ है। तेरापंथ विश्व भारती दिल्ली के ट्रस्ट मेंबर्स एवं एम्ब्रूफ के ट्रस्ट मेंबर्स भी रहे हुए हैं। 1% ये छापर आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। छापर चातुर्मास 14 वर्ष बाद में कालू धारा पर होने जा रहा है। संपूर्ण छापर वासियों को, संपूर्ण तेरापन समाज निवासी और प्रवासियों को आप चातुर्मास के प्रति होने वाली व्यवस्था, होने वाली गतिविधियों के प्रति आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना उल्लास है, कितनी व्यवस्था है? जय जिनेंद्र, आराध्य को नमन। आचार्य श्री महाश्रमण जी को भावरा वंदन। सभी श्रावकगण को जो भारत के विभिन्न प्रांतों में रहते हैं, तेरापंथी हैं, एवं कहने के लिए विदेश में भी बहुत सारे आदमी रहते हैं, मैं सभी को अपनी बात कहने की इच्छा रखता हूँ। आचार्य कालूगढ़ी की जन्मस्थली, एक पवित्र स्थान, तेरापंथ धर्म संघ के अंदर में विशेष महत्व रखने वाले आचार्य श्री अष्टम आचार्य श्री कालूगढ़ी की जन्मस्थली होने के नाते हम लोग छापरवासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने 10 साल बाद, गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी ने छापर की धरा को चतुर्मास फरमाया, जो 74 साल बाद होने जा रहा है। आचार्य तुलसी के द्वारा 2005 संवत में छापर में चतुर्मास हुआ था। सुनने में आया है कि वो भी चतुर्मास कई मायने में ऐतिहासिक था। अभी 2019 में बेंगलोर में गुरुदेव ने आचार्य श्री के चतुर्मास की व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए मुझे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। उससे पहले कोयम्बटूर में 2022 का चतुर्मास छापर में होगा, इसकी घोषणा की। हम लोग सब मिलकर के 2019 से अपने इस छापर के चतुर्मास को व्यवस्थित, ज़्यादा से ज़्यादा ऐतिहासिक, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर में लोग जो यहाँ पर आए सेवार्थी के भाव में, सेवार्थी के रूप में, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हम व्यवस्था कर सकें, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। 2019 से 2022 का समय जाते समय नहीं लगता है, समय बीतता गया। हम लोग भी काफ़ी संख्या के अंदर में व्यवस्थाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। आप सबकी जानकारी के लिए अत्यधिक संख्या के अंदर में आवास के कुटीर वगैरह बनाए गए हैं, 2 BHK भी बनाए गए हैं, 1 BHK भी बनाए गए हैं, एक अलग तरह की बाथरूम और टॉयलेट अटैच कोठरी भी यहाँ पर अच्छी संख्या के अंदर में बनाई गई है और उसमें कूलर का प्रोविज़न रखा गया है। इसके बाद हम लोगों ने सबने मिल कर करके इस बात की ठान रखी है कि हमारे आए हुए अतिथियों को किसी तरह की कोई तरह की असुविधा नहीं हो, हम लोग व्यवस्थाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। बहुत तरह की व्यवस्थाओं का चिंतन मनन हम लोगों ने मिल के किया है।
और हमारी पूरी चेष्टा है कि जितना सोचे हैं उसको हम पूर्ण रूप में यथार्थ के धरातल पर दिखा सकें। निश्चितवत चतुर्मास के अंदर में ऐतिहासिक चतुर्मास धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों से ही इतिहास बनते हैं। ये दायित्व गुरुदेव का रहेगा, साध्वी लोगों का, संतों का रहेगा कि वो क्या क्या कार्यक्रम यहाँ करते हैं और क्या क्या कार्यक्रमों का की रूपरेखा यहाँ बनती है, ये तो गुरुदेव और साधु संत लोग, सत्य लोग ही जान सकते हैं। हमारा काम जो है, सबसे पहले हमारे साधु संत लोग, सतियाँ जो यहाँ पर पधारेंगी, उनकी कोई तरह की असाधा नहीं हो, उनके इंगित को समझने के अंदर में हम कोई तरह का भूल न करें, इसका प्रयास हमारा सबसे पहले रहेगा। दूसरा प्रयास ये रहेगा कि आए हुए अतिथि अपने घर के तरह का माहौल यहाँ मिले उनको, और आकर के उनको ऐसा महसूस हो कि हम जहाँ पर भी सेवा करने जा रहे हैं उससे बेहतर सुविधा हम लोगों को छापरे में मिली है, ये सुनने के लिए हम लोग लालयित हैं, तो साथ साथ में उस पर कार्यान्वित भी उसी रूपरेखा को बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे समस्याएं हम लोगों के काम में आई, उन समस्याओं को हल करने में काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने धर्म संघ में कोई भी काम गुरुदेव की कृपा से अच्छा ही अच्छा होता है, पर अंत में जो है हम लोगों को वो हासिल हुआ जिसके लिए हम लोग काफ़ी लंबे अरसे तक तड़पते रहे। समय हमारे पास में बहुत कम था क्योंकि करीबन 8 से 9 महीने हमारा काम रुक गया था, लेकिन पिछले जो 3-4 महीने समय मिले हैं हम सब कोई मिल कर करके प्रयासरत हैं कि जो चीज़ हम लोगों को अवेलेबल करवानी है उसको हम समय के पहले अर्थात 9 जुलाई, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि 9 जुलाई की डेडलाइन नहीं करें, उसको 10 दिन पहले ही हम पूर्ण रूप से तैयार करके और एकदम निश्चिंत होकर करके आने वाले आदमियों का, हम सब सेवार्थियों का स्वागत में लग जाएं। और मेरा सभी से, पूरे भारतवर्ष के सभी सेवार्थी भाई बंधुओं से निवेदन है कि आप ये न समझें कि छोटा गांव है शायद यहाँ व्यवस्था नहीं होगी, हम लोगों ने जो अपनी तरफ से व्यवस्था जो दे रखी है आप कृपया एक बार अवलोकन जरूर करें, आपको निश्चितवत निसंदेह आपको ये महसूस होगा कि इस छोटी जगह के अंदर में भी बड़े शहरों का जो सुविधा होती है वो अवेलेबल हो रही है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष के विचारों से हम पूर्णतः सहमत हैं, और पुनः अपील रहेगी पूरे भारतवर्ष की ओर से कि वो आए और कालू धरा पर गुरुवर का सेवा का लाभ लेवे। जय जिनेंद्र।